मुंबई के घाटकोपर में एक आवासीय परिसर में पार्किंग में खड़ी कार कुछ ही सेकंड में एक सिंक होल में डूब गई। उस इलाके के पिछले कुछ दिनों से भारी मानसूनी बारिश हो रही थी। इस अजीबोगरीब घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कार का बोनट और सामने का पहिया पहले सिंक होल में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद कार का पिछला हिस्सा भी उसमें समा जाता है। इस तरह पूरी कार सिंक होल में समा जाती है। हैरान कर देने वाला वाक्य घाटकोपर में त्रिभुवन मिठाई वाला के पीछे राम निवास हाउसिंग सोसाइटी का है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएमसी ने प्रेस नोट के जरिए सफाई दी है कि इस घटना का बीएमसी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो जमीन सोसाइटी की थी और कुएं को आरसीसी के जरिए आधा ढककर इलाके को पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो आज धस गई और वहां पार्क की गई कार उसमें डूब गई। यह कार पंकज मेहता नाम के शख्स की है। गनीमत रही कि कार में उस वक्त कोई नहीं था। बीएमसी और पुलिस कार को निकालने में जुटी है। इस कार के अगल बगल खड़ी गाड़ियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शहर में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। AMD ने जहां शनिवार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, वहीं रविवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हो गया है और पवई झील भी उफान पर है। Make happy your fate with our brand with SS Footwear, Bairan का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एक्सेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 बैरन बिंद नगर रोड धोदी, बैरन सिगरौली, मध्य प्रदेश। फोन नंबर 9425177049 9798 5911 5। खुल गया, खुल गया, खुल गया। लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9479712700 7805818106। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।